आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कटे फटे काले होठों के लिए देसी घरेलू नुस्खा। अगर आपने इस रेमेडी का इस्तेमाल 3 दिन कर लिया तो आपके होठ गुलाबी हो जाएंगे। कोई भी सामान बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको आसानी से घर पर ही बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों, रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चाहिए मुझे चुकंदर, जिसे बीट रूट कहते हैं। यह आसानी से ही लोकल मार्केट में मिल जाता है, जहाँ से आप सब्जी खरीदने जाते हैं। मैंने 2 चुकंदर ले लिए हैं और इनको अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद मैं इसका छिलका हटा रही हूँ। छिलका अच्छे से हट गया है। मैं अब इसको ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर रही हूँ। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, चुकंदर होठों को गुलाबी रखने में मदद करता है। चुकंदर लिप्स को नरिश करने के लिए बेहद फायदेमंद होता है, साथ ही साथ मुलायम भी करता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, चुकंदर का जूस निकालने के लिए मैंने लिए यहाँ पर स्टील की छलनी। आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। हमें इसका सिर्फ जूस चाहिए, कोई भी चुकंदर का कड़ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, अब इसमें हम डालेंगे नारियल का तेल। तेल डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। नारियल के तेल में ओमेगा-3 होता है, जो स्किन में अंदर से नमी को लॉक करता है। इतना ही नहीं, ये तेल एक हीलर की तरह काम करता है और होठों को अंदर से मॉइस्चराइज करता है। इसके अलावा ये होठों पर नमी की एक परत बनाता है, जिससे ये होठ जल्दी जल्दी फटते नहीं है और लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। तो दोस्तों, नारियल के तेल को चुकंदर के जूस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में हम इसको करीबन 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और मिलते हैं 1/2 घंटे के बाद। 1/2 घंटा हो चुका है, चुकंदर के जूस में नारियल का तेल एकदम से जम गया है। तो दोस्तों, अब रेमेडी में मिलाने जा रहे हैं वैसलीन। वैसलीन एक तरह की पेट्रोलियम जेली है, जो एक प्रकार की सॉफ्ट पैराफिन होती है। यह वसा युक्त पदार्थों का मिश्रण है। दोस्तों, वैसलीन कटी पटी रूखी त्वचा को ठीक करने में उपयोग किया जाता है। दोस्तों, वैसलीन को अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें डालने जा रहे हैं 2 विटामिन ई के कैप्सूल। विटामिन ई के कैप्सूल लगाने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। यह कैप्सूल आपके होठों की डेड सेल्स को खत्म करने का काम करता है, नए सेल्स का उत्पादन करता है। इस कैप्सूल से आपके होठों का कालापन दूर हो जाएगा। विटामिन ई का कैप्सूल डालने के बाद इसको चम्मच की सहायता से अच्छे से मिला लें। इसको मिलाने में 3 से 4 मिनट का समय लग सकता है। इसको अच्छे से मिलाने के बाद एक बाम जैसा बन गया है। अब हम इसको कांच की साफ बोतल में भर के रख लेंगे। इस रेमेडी को 10 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद में फिर से बना लें। इस रेमेडी का इस्तेमाल रात को सोते समय करें, आपको 3 दिन के अंदर फर्क नजर आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।